अस्सलाम वालेकुम। मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो भी अलजेब्रिक क्वेश्चन के ऊपर है। यहाँ पे मैंने सवाल पहले से लिखा हुआ है ताकि टाइम हमारा ज़ाया ना हो। हमें सवाल में जस्ट यही पूछा गया है शॉर्टली, यानी कि आपको जो सवाल दिया गया है इसको शॉर्ट करना है। अब हम इसको शॉर्ट कैसे करेंगे, ये सवाल भी बहुत आसान है और मैं आपको कोशिश करूँगी और आसान मेथड से समझा सकूँ। लेकिन पहले मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ कि हमारे पास कुछ साइंस होते हैं कि हमें उन साइंस के बारे में पता होना चाहिए कि क्या चीज़ उनके क्या होती है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर प्लस और माइनस आ जाए तो इसका जो आंसर होता है प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस या माइनस प्लस माइनस, साइन जो है आगे पीछे है लेकिन आंसर एक ही है। एन प्लस प्लस जो है वो प्लस ही बनता है एंड माइनस माइनस अगर आ जाए तो प्लस बनता है। प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, साइन दोनों जब नेगेटिव साइन आपस में मिलते हैं तो पॉजिटिव बनता है। ठीक है, ओके जी, अब हम अपना सवाल स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपको यहाँ पे इसलिए लिख के बताया क्योंकि हमें यहाँ पर सॉल्व करने में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम अपना सवाल स्टार्ट करते हैं सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे ब्रैकेट दिया हुआ है, छोटा ब्रैकेट है 2x प्लस 3y माइनस 4z ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट 3y माइनस 6x प्लस 5z ब्रैकेट बंद प्लस ब्रैकेट है x माइनस y माइनस z ब्रैकेट। ठीक है, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमें जितने भी ब्रैकेट दिए हैं सबको ओपन करना है, खोलना है। हम अपने सवाल को एज इट इज़ अभी ऐसे ही बता देंगे विदाउट ब्रैकेट। 2x प्लस 3y माइनस 4z एंड प्लीज़ आप लोग जो हैं जो साइन हैं इन साइंस को जो है सही से उतारा करें, सही से उतारा करें, क्योंकि सिर्फ एक साइन जो है अगर गलती से भी आपने गलत लगा दिया तो आपका पूरा सवाल गलत हो जाता है। और मैथ वाहिद एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके नंबर्स जो हैं वो कैंसिल नहीं होते हैं, काटे नहीं जाते हैं। राइटिंग के अदर सब्जेक्ट में जो है आपके राइटिंग नंबर काटे जाते हैं, पर मैथ में आपकी राइटिंग भले थोड़ी गंदी हो, नंबर्स आपने जैसे भी लिखे हों, मतलब राइटिंग थोड़ी गंदी हो, तो इसमें राइटिंग नंबर्स नहीं कटते हैं। लेकिन अगर आपका एक भी साइन गलत हो गया या आपका पूरा मेथड आपने शुरू से लेकर एंड तक बिल्कुल सही किया है और आपने लास्ट में आके साइन गलत करके एक आंसर भी गलत हो गया तो आपका पूरा आंसर गलत कर देते हैं, पूरा आपका आंसर गलत कर देते हैं और आपको ज़ीरो मार्क्स मिलता है। और इस लिहाज से अदर सब्जेक्ट्स जो हैं वो अच्छे हैं कि अगर आपने पूरा सवाल लिखा हुआ है, आंसर लिखा हुआ है और उसमें जगह जगह पे मिस्टेक्स निकलती हैं तब भी टीचर्स आपको नंबर्स दे देते हैं, लेकिन वहाँ पे राइटिंग नंबर कटते हैं। वहाँ पे ये जो है वो डिसएडवांटेज है और यहाँ पे ये एडवांटेज है कि आपको राइटिंग के नंबर नहीं कटते। लेकिन यहाँ पे ये डिसएडवांटेज हैगा कि अगर आपका एक भी नंबर्स गलत हो गया, एक भी साइन गलत हो गया तो आपको पूरा कैंसिल आउट हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे मैथ के इस चीज़ से आप लोग फ़ायदा उठाइए कि यहाँ पे राइटिंग्स के नंबर जो है वो नहीं कटते हैं। ठीक है, तो साइंस पर ज़रा ध्यान दिया करिए, नंबर्स पे अल्फ़ाबेट पे ध्यान दिया करें कि जो जैसे दिया हुआ है आप उसको सही तरीके से उतारें। चलें जी, हमने यहाँ पर जो है अपने ब्रैकेट्स को जो है ओपन कर दिया है। अब हमें क्या करना है, हमारे जो नेक्स्ट रॉ में जो लिखा जाएगा वो ये है कि सबसे पहले जो x x x के जो हम नंबर्स दिए हैं उन्हें एक साथ लिखेंगे, y y के एक साथ लिखेंगे और z z के एक साथ लिखेंगे। तो हम लिखते हैं, हमारे पास सबसे पहले है 2x, उसके बाद हमारे पास x का जो है ये है माइनस 6x, देखें 6x के साथ माइनस का साइन है तो वो लिखा जाएगा। उसके बाद x के सीधा x के साथ प्लस का साइन है तो प्लस x। ठीक है, सेकेंड यहाँ पे y स्टार्ट होता है हमारे पास, तो हमारे पास 3y है पहले, उसके साथ प्लस का साइन है प्लस 3y, उसके बाद अगेन 3y है और प्लस का ही साइन है तो 3y, उसके बाद हमारे पास y के साथ माइनस का साइन है। ठीक है, एंड अब इसके बाद जो हमें करना है, ठीक है, y इसके बाद हमें z लेना है, ये रहा हमारा z माइनस 4z और इसके बाद हमारे पास प्लस 5z प्लस 5z एन माइनस z। ठीक है, यहाँ पे हमने सारे अपने नंबर्स उतार लिए हैं। मैंने सवाल का जब आपको बताया था स्टार्टिंग में तो मैंने इन सब के जो है ब्रैकेट्स खोले थे। ठीक है,
ठीक है। अब हम सवाल को ब्रैकेट्स खोलने के बाद अगेन इन पे ब्रैकेट्स लगाएंगे, लेकिन अब कैसे ब्रैकेट्स लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रैकेट्स लगे थे वो एक्स वाई जेड सबके साथ लगे थे। अब हमें यहाँ पे जो ब्रैकेट्स लगाने हैं, आप गौर से सुनिएगा, यहाँ पे जो ब्रैकेट्स लगाने हैं वो एक एक पे लगाने, यानी कि एक्स के सारे नंबर्स पे ये ब्रैकेट हो गया, एक्स सारे इकट्ठे एक साथ हो गए, वाई सारे एक साथ हो गए, जेड एक साथ हो गए, तो इन पर लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे इसके साथ यहाँ लगाया, ये वाई के साथ है, इसको हम बाहर ही रहने देंगे, यानी कि प्लस को बाहर रखेंगे, स्टार्टिंग में नहीं रखते ब्रैकेट के अंदर प्लस, इसलिए मैं इसको बाहर कर रही हूँ, और इसको यहाँ तक करेंगे और फिर यहाँ से ये यहाँ तक करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग सोचें कि प्लस इसके साथ आ जाता तो ब्रैकेट में स्टार्टिंग में प्लस नहीं, मतलब प्लस माइनस शो नहीं करते हैं, जो भी होता है वो ब्रैकेट के बाहर ही आता है। अब हम जो है वो स्टार्ट करते हैं अपना। एक्चुअली थोड़ा सा मोबाइल आगे पीछे हो रहा है क्योंकि मैंने खुद ही पकड़ा हुआ है और मैं खुद समझा भी रही हूँ, ठीक है। अगर ऊपर नीचे हो गया तो सॉरी, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सही तरीके से आप लोगों को दिखा सकूँ। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे जो साइंस लगे हुए हैं ये वाला मेथड हमारा आएगा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस 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 एंड माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टार्टिंग में कोई नहीं है, इसका मतलब है प्लस होता है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि नंबर्स के स्टार्टिंग में प्लस साइन जो है वो शो नहीं होता, बट वो वहाँ पर होता है। तो यहाँ पर हम जो प्लस प्लस के हैं उसको प्लस कर लेते हैं, माइनस वाले को बाहर निकाल लेंगे। ये एक स्टेप एक्स्ट्रा मैं कर रही हूँ, लेकिन इसमें आपकी आसानी है, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो हम ऐसे कर लेते हैं, जो प्लस हो रहे होंगे इनके अंदर उनको प्लस करके माइनस का साइन अलग कर देंगे। ये प्लस का है, ये प्लस का, तो 2x और x। मैंने आपको ये भी बता चुकी हूँ पहले, अल्फ़ाबेट के साथ कभी भी वन शो नहीं होता, बट वहाँ पर वन मौजूद होता है। तो ये 2 और ये 1 हो गया, इन दोनों को प्लस किया 3 बन गया, और ये माइनस का 6x, ठीक है। इसको हमने ऐसे कर लिया। इसके बाद ये प्लस 3y है और ये प्लस 3y, तो इन दोनों को प्लस कर लिया, तो ये हो गया 6y, ठीक है। और ये माइनस का वाई प्लस साइन, और ये माइनस का 4z और ये z, क्योंकि यहाँ पे माइनस के साइन दो हैं तो इनको हम कर देंगे। और देखिए ऊपर देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, यानी कि 4 और यहाँ पे 1, तो ये हो गया 5z और प्लस 5z। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स नहीं लगाया है और आपको ये बताने के लिए समझा रही हूँ कि यहाँ पे मैंने प्लस किया है 4 एंड 1 5, लेकिन साइन में माइनस का लगाऊंगी। क्यों? क्योंकि ये भी मैं अपनी लास्ट वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि हम यहाँ पे प्लस करें या माइनस करें, जो भी हमारा मेथड बनता है, जो भी साइंस के ज़रिए आंसर आता है, लेकिन साइन हमेशा वो लगेगा जो बड़ी वैल्यू के साथ होगा। तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पे 4, तो 4 के साथ 4 यहाँ पे है बड़ी वैल्यू, और उसके साथ माइनस का साइन है, तो मैंने माइनस 5z लगाया, ठीक है। अब हम यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस जो है प्लस माइनस माइनस है, तो यानी कि 6x में से जो है वो 3x लेस होगा, तो यहाँ पे आंसर आया 3x, ठीक है 3x। इसके बाद जो है यहाँ पे 6y है और y है, तो प्लस माइनस माइनस जो हमने अभी किया था, सो 6 में से एक निकाल, मतलब 6 में से 1 निकाला, तो हमारे पास बचा 5, ठीक है। और यहाँ पे बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन है वो है 6 के साथ, बड़ा वैल्यू है, प्लस का साइन है तो प्लस लगेगा। देखिए मैंने यहाँ पे किया माइनस है, 6 के साथ मैंने 1 निकाला, माइनस करके आंसर लाई हूँ, लेकिन साइन प्लस का, 6 के साथ मैंने 1 माइनस किया है, आंसर मैं 5 में लाई हूँ, माइनस में लाई हूँ, लेकिन साइन में प्लस का इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मैं समझा चुकी हूँ कि बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है हमेशा वो लगता है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे चीज़ अलग हो रही है बिल्कुल, कि यहाँ पे भी 5z है, यहाँ पे भी 5z है, दोनों नंबर सेम हैं बट साइन अलग है, प्लस एक माइनस का है, एक प्लस का है। तो कभी ऐसा हो कि आपके पास सेम नंबर्स हों।